Hello students, welcome to the channel Entrance Exam Guide. So guys, CITEE 2021 का application form release हो चुका है. काफी सारे students को problem face हो रही थी application form fill करने में, इसलिए guys इस video में हम आप लोगों को live application form fill करके बताएंगे step by step procedure किस तरह से fill करना है. तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, simply description में एक link दी गई, उस link पे click करना है, इस तरह का interface open हो जाएगा. अब यहाँ पे आने के बाद guys सबसे पहले आप लोग अपना first name enter कर देना है, then यहाँ पे guys आप लोगों को middle name enter कर देना होगा, यहाँ पे last name आपका जो enter कर देना है, then guys आपकी email address आपको enter कर देना होगा, यहाँ पे कोई भी एक पासवर्ड आप लोगों को एंटर कर देना, वही पासवर्ड यहाँ पे आपको सिंपली जो है री एंटर कर देना होगा. इतनी डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना है. अब गाइस जैसे आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर पे क्लिक करते आप देख सकते हैं आप लोगों के सामने इस तरह का जो एक मैसेज आ जाएगा कि आप लोगों को फ्रेश वेरिफिकेशन लिंक भेज दी गई अपने ईमेल एड्रेस पे. तो गाइस आप लोगों को क्या करना होगा, सिंपली आप लोगों को जो है अपने ईमेल एड्रेस पे जाना, ईमेल एड्रेस लॉगिन करना होगा आपका, और वहाँ पे गाइस आप लोगों को चेक करना होगा आप लोगों को जो एक मेल आ चुका होगा. तो गाइस यहाँ पे रिफ्रेश कर लेना है, रिफ्रेश में यहाँ पे जो मेल आ जाएगा, या तो कई बार जो गाइस यहाँ पे स्पैम में भी मेल चले आता है, तो आप लोगों को जो एक बार स्पैम भी यहाँ पे जो आप लोगों का चेक कर लेना है, वहाँ भी जो मेल आ सकता है. तो गाइस स्पैम में नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं इनबॉक्स में मेल यहाँ पे आ चुका है. सिंपली आप लोगों को यहाँ पे मेल को ओपन करना होगा, और यहाँ पे जैसे वेरीफाई ईमेल एड्रेस, यहाँ पे वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे आपको क्लिक कर देना है. जैसे आप क्लिक करेंगे आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, डिप्लोमा, बीटेक, बी डिज़ाइन, या फिर एमटेक या मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन या पीएचडी, जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देना होगा. और उस पर क्लिक करते आप जैसे आप लोगों के सामने इस तरह से कंप्लीट जो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा. अब गाइस इस एप्लीकेशन फॉर्म में सिंपली जो जो डिटेल्स पूछा है आपको डिटेल्स फिल कर देना है. देख सकते हैं आप आपको जो अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना होगा, प्रोग्राम सेलेक्ट करने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एंट्री मोड सेलेक्ट कर लेना होगा, देन आपको यहाँ पे अपने पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है. आप लोगों को गाइस अपना जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है, आपका जो बर्थडे यहाँ पे आप लोगों को एंटर कर देना होगा, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है आप लोगों को यहाँ पे, रिजर्वेशन कैटेगरी आपकी क्या है वो आपको सेलेक्ट करने रहा है, रिलीजन आपका जो भी रिलीजन है सेलेक्ट करना है, रीजन ऑफ परमानेंट रेसिडेंस आपका क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, नेशनलिटी आपकी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, आपके पिताजी का गाइस यहाँ पे नाम एंटर कर देना होगा, यहाँ पे आपके माताजी मदर्स नेम आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, गार्जियंस नेम है अगर कोई तो गार्जियन का नाम आपको एंटर कर देना होगा, देन गाइस यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस एंटर कर देना होगा, यहाँ पे पिन कोड एंटर कर देना है, नेक्स्ट आप लोगों को एड्रेस एंटर कर देना है, यहाँ पे जो भी पोस्ट ऑफिस है कि पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे पिन कोड एंटर कर देना होगा, सिंपली आप लोगों को नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट एंटर कर देना है, और यहाँ पे आप लोगों को जो है स्टेट यहाँ पे एंटर कर देना होगा. परमानेंट एड्रेस सेम है तो सिंपली यहाँ पे टिक कर देना होगा. अब गाइस एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे दो आपको चॉइस दिए हुए, तो दोनों में आपको यहाँ पे अलग अलग एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करके सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है. अब गाइस जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फीस भी बता दी, 1200 रुपीस आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी, और यहाँ पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करके हो चुके हैं, सारी चीज़ें सही है तो सिंपली यहाँ पे अगेन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, वरना मॉडिफाई इमेज पे क्लिक, मॉडिफाई पे क्लिक करके आप जो आपकी डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं. अब जहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करना है सिंपली चूज फाइल पे क्लिक करना होगा, जिस भी लोकेशन में आपका फोटोग्राफ है सिंपली सेलेक्ट करना है उस लोकेशन को, और अपना फोटोग्राफ यहाँ पे आप लोगों को अपलोड कर देना होगा. अब गाइस जैसे फोटोग्राफ आप लोगों की साइज़ यहाँ पे बता दी कि उसी साइज़ में प्रिस्क्राइब साइज़ में चाहिए, कोई भी साइज़ में अगर रहेगी गाइस तो यहाँ पे जो है आप लोगों का यहाँ पे जो फोटोग्राफ अपलोड नहीं होगा. आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटोग्राफ आ चुका है, उसका सिंपली अपलोड एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा. जैसे अपलोड एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं फोटोग्राफ यहाँ पे आ चुका है, सिंपली आई हैव चेक पे क्लिक करके फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है, और आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे जो है फाइनल कंप्लीट सबमिट हो जाएगा. अब सिंपली यहाँ पे प्रोसीड टू पे क्लिक करके आप लोगों को क्लिक करना होगा, आप लोग पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, और वहाँ पे जाने के बाद गाइस आप लोगों को सिंपली अपना जो है नाम एंटर कर देना होगा, आपको जो भी नाम है नाम एंटर करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपीआई के थ्रू या फिर अपना जो है और भी अलग अलग आपको पेमेंट ऑप्शन दे दिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, उसके थ्रू आप लोग आसानी से अपना आपके जो भी अप्लाइंग चार्जेस एप्लीकेशन फी है वो पे करके अपना एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे. सो गाइस आई होप के भी आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में. इनकेस कोई भी प्रॉब्लम फेस होता है, कोई भी इशू होता है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक प्रोवाइड करा दी गई है, वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू आप हमें बता सकते हैं, हम ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे. इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए. थैंक यू फ्रेंड्स.